सबसे पहले तो हमने पिछली वीडियो में नाउंस के बारे में पढ़ा, आर्टिकल्स के बारे में पढ़ा, पंचुएशन के बारे में पढ़ा, एडजेक्टिव्स के बारे में पढ़ा। तो आज मैं आपको बताऊंगी पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स। जो इंग्लिश के सभी जो ग्रुप्स हैं, वर्ड्स हैं, उनको डिवाइड किया है 8 ग्रुप्स में, 8 भागों में उसको विभाजित किया है इंग्लिश वर्ड को, वर्ड्स को, अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू इन ए सेंटेंस। सेंटेंस के आधार पर वो क्या काम करते हैं। ईच ग्रुप इज कॉल्ड पार्ट ऑफ स्पीच। और उन सब जो सेंटेंस के आधार पर क्या काम करते हैं उनको ही हम पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। इंग्लिश के इंग्लिश लैंग्वेज के जो वर्ड्स हैं उनको हमने 8 भागों में विभाजित किया है, 8 भागों में बांटा हुआ है। अकॉर्डिंग टू वर्क, वर्क के आधार पर वे क्या काम करते हैं एक सेंटेंस में। एक सेंटेंस में वो वर्क के आधार पर, काम के आधार पर, अकॉर्डिंग ग्रुप्स के आधार पर वो क्या काम करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब हम इसके जो 8 पार्ट्स में उसको विभाजित किया है, डिवाइड किया है, उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास नाउन, इसके बारे में भी आपको पता है, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजक्शन, प्रपोजिशन, इंटरजेक्शंस। आज मैं आपको जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 पार्ट है मैं उनके बारे में बताऊंगी। कौन कौन से है वो जो हमने पढ़े, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजक्शंस, प्रपोजिशंस और इंटरजेक्शंस। सबसे पहले आपको बताऊंगी नाउन के बारे में। वैसे तो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया कि व्हाट इज नाउन, नाउन के बारे में पूरा एक्सप्लेन किया है, फिर भी अभी बता रही हूँ। नाउन क्या है, किसी व्यक्ति, किसी जाति, किसी स्थान, किसी वस्तु, किसी एक्शन, क्वालिटी, स्टेट आदि के जो शब्द, इन सब शब्दों को हम क्या कहते हैं, नाउन। किसी व्यक्ति, किसी जाति, किसी अवस्था, किसी गुण, किसी समानता, किसी वस्तु, किसी पर्सन, किसी व्यक्ति, किसी जाति के नाम को, किसी स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा। अ नाउन इज अ वर्ड विच इज यूज टू द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग, एक्शन, क्वालिटी, स्टेट एक्सेट्रा। तो जो हमारे पास नेम ऑफ पर्सन है वो क्या होगा, किसी व्यक्ति का नाम बताया ना, या किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, ढंग, क्वालिटी, स्टेट आदि के नाम को क्या कहते हैं, नाम कहते हैं। तो अब नेम ऑफ पर्सन में क्या आएगा, किसी व्यक्ति का नाम, जैसे सुनील हो गया, राधा हो गया, नुपुर हो गया, गीता हो गया, अंजलि हो गया एक्सेट्रा। कोई भी नाम, किसी भी व्यक्ति का नाम क्या कहलाता है, संज्ञा कहलाता है। नेक्स्ट है नेम ऑफ प्लेस, अब किसी भी स्थान का नाम क्या कहलाएगा, हमारे पास नाउन। किसी भी स्थान का नाम होगा नेम ऑफ प्लेस, जैसे दिल्ली, जैसे मुंबई, कोलकाता, हॉस्पिटल, स्कूल, टीचर, ये नेम है, डिस्पेंसरी, ये नेम है प्लेस के। तो ये क्या होगा, नेम ऑफ प्लेस, तो इसमें क्या आएगा, ये नाउन है, प्लेस, नाउन प्लेस है जो, वो हमारे पास क्या है, नाउन है। थर्ड होगा हमारे पास थिंग, नेम ऑफ एक्शन, एक्शन जैसे कोई वर्क करना, काम करना, और चॉइस, चॉइस क्या हमारे पास, एक्शन है, और वर्क क्या हमारे पास, एक्शन। तो एक्शन क्या हुआ, नेम ऑफ एक्शन नाउन हुआ। नेक्स्ट है नेम ऑफ थिंग, किसी चीज को, जैसे थिंग कैसे हो गया, चेयर होगी, टेबल हो गया, पेन हो गया, पेंसिल होगी, बुक होगी, फैन हो गया, ये क्या है, थिंग्स के नेम है। तो ये भी किसमें आएंगे, नाउन में ही आएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास नेम ऑफ क्वालिटी,
किसी वस्तु की क्वालिटी, जैसे किस किस क्वालिटी बतानी है हमने, तो जैसे ट्रुथ उसकी अवस्था है, क्वालिटी है, उसमें गुण है, गुण। साइलेंस, ट्रुथ, फॉल्स, ये क्या है हमारे पास? नेम ऑफ क्वालिटी और नाउन है, ये हम नाउन बोलते हैं। आगे है हमारे पास नेम ऑफ स्टेट, स्टेट अवस्था, स्टेट क्या होती है? अवस्था, जैसे स्लीप, डेथ, अवस्था है ना ये हमारी, तो इसको हम क्या कहेंगे? नेम ऑफ स्टेट, ये भी हमारे पास क्या है? नाउन। नेक्स्ट है हमारे पास नेम ऑफ एनिमल्स, नेम ऑफ बर्ड्स, नेम ऑफ रिवर्स, नेम ऑफ बुक्स, नेम ऑफ माउंटेन्स, नेम ऑफ डे, वीक, ग्रुप, मंथ्स, इन सब के जो नेम आएंगे वो क्या होगा? नाउन। उनको हम क्या बोलेंगे? नाउन बोलेंगे। जैसे ग्रुप, ग्रुप में कौन सा नाउन है जिसमें हम ग्रुपिंग में वो करते हैं? वो हमारे पास कलेक्टिव नाउन, तो कलेक्टिव नाउन आ गया ना इसमें, तो ये नाउन के ही पार्ट्स हैं। जैसे नेम ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स के नेम बताने हैं हमने, काउ हो गया, कैट, डॉग, हॉर्स, बियर, कैमल, ये सब क्या है? एनिमल्स के नेम है और जो वो है क्या? ये नाउन। नेम ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स के नेम बताने हैं हमने, जैसे काउ, क्रो हो गया, ईगल हो गया और पैरेट हो गया, स्पैरो होगी, ये क्या आएंगी? नेम ऑफ वर्ड्स में। आगे है हमारे पास नेम ऑफ रिवर्स, जिसमें हमने रिवर्स को भी बताना है, तो उसमें जैसे गंगा होगी, यमुना होगी, सरस्वती होगी, ये सब क्या है? रावी, तो ये क्या है? सब हमारे पास रिवर्स हैं और हमारे नाउन्स हैं ये। नेम ऑफ बुक्स, बुक्स के नेम बताने अपने, बाइबल होगी, भगवत गीता होगी, रामायण होगी, किसमें आएंगे? सारे नाउन्स में आएंगे। माउंटेन्स, हिमालय, माउंटेन्स, ये भी किसमें आएंगे हमारे पास? किसमें आएंगे? ये नाउन्स में आएंगे। डेज हो गए, डेज भी किसमें आते हैं? नाउन में आते हैं, जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ये सब किसमें आएंगे हमारे पास? नाउन्स में आएंगे। मंथ, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये सब भी नाउन में ही आएंगे। नेक्स्ट है नेम ऑफ ग्रुप, ग्रुप कौन सा नाउन है उसमें? नाउन्स में कौन सा नाउन है? ये कलेक्टिव नाउन जिसमें ग्रुपिंग होती है, जैसे आर्मी, क्लास, स्टाफ, ये सब क्या है? ग्रुप है और ये कलेक्टिव नाउन है, तो हमने इसमें नाउन में भी इसको डिवाइड किया है। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोनाउन, प्रोनाउन एक प्रोनाउन वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? सर्वनाम। प्रोनाउन को हिंदी में क्या बोलते हैं? सर्वनाम। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे संज्ञा के स्थान पर, जैसे प्लेस के, पर्सन के स्थान पर हम उनका नाम नहीं प्रोनाउन को यूज करेंगे। जैसे एग्जाम्पल है आई, वी, यू, दे, शी, ही, इट, और भी ऐसे वर्ड्स हैं जिनको हम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त, नाउन के स्थान पर प्रयुक्त कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुकुल डिड नॉट कम एज ही वॉज नॉट इन्वाइटेड, इसमें जो प्रोनाउन है वो क्या है? ही, वह, और नाउन क्या है? मुकुल। मुकुल संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त, मुकुल के स्थान पर हमने क्या यूज किया है? ही। अगर हमें नाउन में लिखना होता तो हमने लिखना था मुकुल डिड नॉट कम एज मुकुल वाज नॉट इनवाइटेड, ये हमारा बन गया नाउन। अब हमने इसको नाउन को प्रोनाउन की जगह पे लिखना है, तो जैसे लिखा मुकुल डिड नॉट कम एज
was not invited. तो इसमें जो pronoun है हमारे पास वो क्या है? He. मुकुल क्या है हमारे पास? He. Next जैसे श्रद्धा फेल because she did not work hard. तो श्रद्धा हमारे पास noun है, तो pronoun क्या हुआ? Pronoun के स्थान पर हमने क्या यूज किया यहाँ पे? She. श्रद्धा फेल because she did not work hard. श्रद्धा फेल हो गई क्योंकि she did not work hard. परिश्रम नहीं किया था इसलिए वह फेल होगी. तो जो श्रद्धा है उसके स्थान पर हमने क्या यूज किया है pronoun? She. Next है the lady who wrote this novel is coming here today. जो यहाँ पे हमारे पास लेडी है वो नाउन है हमारे पास, और जो प्रनाउन का काम कर रहा है वो क्या है? लेडी. हु क्या है यहाँ पे? प्रनाउन. और प्रनाउन के स्थान पर हमने संज्ञा को यूज किया, नाउन को यूज किया, तो नाउन हमारे पास क्या है? लेडी. द लेडी हु रॉट दिस नॉवल इज कमिंग हेयर टूडे. ये क्या हो गया हमारे पास? प्रनाउन. थर्ड है हमारे पास एडजेक्टिव. एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ ए नाउन और प्रनाउन. संज्ञा और सर्वनाम के शब्दों को, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम के शब्दों को ऐड करे उसको क्या कहते हैं? एडजेक्टिव. संज्ञा और सर्वनाम के शब्दों को या शब्द ऐड करे उसको क्या कहते हैं? एडजेक्टिव. जैसे गुड, बैड, ब्यूटीफुल, फैट, टॉल, हेल्दी, रेड, बिग, वाइट, स्मॉल, ये सब क्या है हमारे पास? एडजेक्टिव हैं. एग्जाम्पल है हमारे पास सुषमा इज अ प्रेटी गर्ल. इसमें हमारा जो एडजेक्टिव है वो क्या होगा? सुषमा इज अ प्रेटी गर्ल. क्या क्या यूज होता है इसमें? जैसे गुड, बैड, ब्यूटीफुल, हेल्दी, रेड, वाइट, बिग, स्मॉल, टॉल, एक्सेट्रा, ये सब इसमें होते हैं ऐड एडजेक्टिव में. तो हमारे पास जैसे सुषमा इज अ प्रेटी गर्ल, एडजेक्टिव क्या हुआ इसमें? प्रीटी. क्या हुआ एडजेक्टिव? प्रीटी. सुषमा इज अ प्रीटी गर्ल, तो प्रीटी क्या है हमारे पास? एडजेक्टिव है. That bear is black. जो bear है वो क्या है? Black है. तो adjective क्या होगा इसमें? विशेष क्या है? जो bear है वो इसमें विशेष क्या हुआ? Black. तो black क्या होगा हमारे पास? Adjective. Raju is a good boy. Raju हमारे पास noun है और good क्या हुआ हमारे पास? विशेष क्या है Raju में? अच्छा है वो. तो जो गुड क्या हुआ हमारे पास? एडजेक्टिव. वी यूज वुलन क्लॉथ इन विंटर. वी यूज वुलन क्लॉथ इन विंटर. यहां पे एडजेक्टिव क्या होगा? विशेष क्या है यहां पे? वुलन क्लॉथ. तो हमारे पास जो नाउन है वो क्या होगा? क्लॉथ. और जो वुलन है वो क्या होगी? एडजेक्टिव. विशेष क्या है इसमें? वुलन. गरम जो है, वुलन जो है वो गरम होता है, तो वुलन क्या है हमारे पास? एडजेक्टिव होगा. वी यूज वुलन क्लॉथ इन विंटर. फोर्थ है हमारे पास वर्ब. वर्ब क्या होती है? ए वर्ब इज अ वर्ड यूज टू से समथिंग अबाउट सम पर्सन, प्लेस और थिंग, दैट इज कॉल्ड वर्ब. क्रिया.
वर्ब को हम बोल सकते हैं क्रिया. ए वर्ब इज अ वर्ड यूज टू से समथिंग अबाउट. मतलब वर्ब वह क्रिया है, वह शब्द है जो अबाउट सम पर्सन, किसी चीज, किसी स्थान, किसी व्यक्ति के बारे में समथिंग, से समथिंग, कुछ बताए. क्रिया वह शब्द है, किसी क्रिया वह शब्द है जो किसी व्यक्ति, किसी स्थान, किसी वस्तु में कुछ समथिंग, कुछ विशेष बताए, उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं. किसी व्यक्ति, किसी स्थान, किसी वस्तु के बारे में विशेष क्रिया प्रकट करे, उसको क्या कहते हैं हम? वर्ब. अ वर्ब इज अ वर्ड यूज्ड टू से समथिंग अबाउट सम पर्सन, थिंग्स, प्लेस, दैट इज कॉल्ड वर्ब. फॉर एग्जाम्पल, जैसे इसके ईट, प्ले, कम, गो, एम, इज, आर, हैव, हैज, हैड, शेल, विल. ये सब क्या है? वर्ब के एग्जाम्पल्स हैं. सेंटेंस बनाने के लिए हम इन एग्जाम्पल्स का यूज करेंगे. जैसे दिल्ली इज ए क्राउडेड सिटी, तो इसमें वर्ब क्या होगा हमारे पास? इज. जो वर्ब है, क्रिया है, वो हमारे पास क्या है? इज है. नेक्स्ट है द अर्थ मूव्स राउंड द सन, इसमें क्या होगा हमारे पास? क्रिया. क्रिया कौन कर रहा है? मूव कर रहा है. मूव्स, मूव्स है जो, वो क्या हुई हमारे पास? वर्ब. क्योंकि सन के अराउंड घूमना, मूव करना, तो मूव करना क्या हुआ? क्रिया की उसने, तो उसको क्या बोलते हैं? मूव्स. ये हमारे पास क्या हुआ? वर्ब हुई. स्टीश स्पीक्स द ट्रूथ, तो यहां पे हमारे पास क्रिया क्या है? स्पीक, बोलना. क्रिया हमारे पास क्या हुई? स्पीक्स. तो स्टीश स्पीक्स द ट्रूथ, तो जो वर्ब है वो हमारे पास क्या हुआ? स्पीक्स. नेक्स्ट है सीता रीड्स हर बुक, यहां पे हमारे पास जो क्रिया है वो है रीड. सीता किताब पढ़ रही है, तो जो पढ़ना है, रीड करना, उसको वो हमारे पास क्या होगी? वर्ब होगी. तो सीता रीड्स हर बुक, तो रीड क्या हुआ हमारे पास? वर्ब. नेक्स्ट है हमारे पास एडवर्ब. संज्ञा वर्ब क्या बताई मैंने आपको? संज्ञा उसके किसी व्यक्ति, किसी स्थान, किसी वस्तु के बारे में जो विशेष क्रिया प्रकट करे, उसको हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं. तो एडवर्ब क्या होगा हमारे पास? एडवर्ब इज अ वर्ड दैट मॉडिफाई एवरी पार्ट ऑफ स्पीच एक्सेप्ट अ नाउन, प्रोनाउन एंड इंटरजेक्शन. बोलता जो एडवर्ब है वो मॉडिफाई करता है हमारे पास, मॉडिफाई द एवरी पार्ट ऑफ स्पीच एक्सेप्ट ए नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन को. नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन को एक्सेप्ट करता है, उसके एवरी पार्ट को एक्सेप्ट करता है, उसे हम क्या कहते हैं? एडवर्ब कहते हैं. जैसे इसका एग्जांपल होगा स्लोली, केयरफुली, वेरी, एक्सेट्रा. नाउन और प्रोनाउन और इंटरजेक्शन की स्पीच को जो के एवरी पार्ट को मॉडिफाई करता है, उसे एडवर्ब कहते हैं. स्लोली इसका पार्ट है, केयरफुली, वेरी, एक्सेट्रा. एग्जांपल्स मैं बताती हूँ आपको. ही स्पीक्स इंग्लिश करेक्टली, इसमें जो विशेष है वो हमारे पास क्या है? करेक्टली. क्योंकि एडवर्ब में एल वाई यूज होता है, एल वाई. सेंटेंस के लास्ट में जो वर्ड होगा उसमें क्या यूज होगा? एल वाई. जो हमारे पास विशेष होगा
उसमें क्या यूज होगा ly. तो he speak English correctly. तो correctly हमारे पास क्या आएगा adverb आएगा और उसमें ly यूज हुआ है. तो ये क्या है हमारे पास adverb है. नेक्स्ट हमारे पास संगीता इज ए वेरी सिंसियर. इसमें एडवर्ब क्या होगा विशेष है हमारे पास वेरी बहुत. तो इसमें क्या आया संगीता इज अ वेरी सिंसियर. तो वेरी क्या हुआ यहां पे एडवर्ब. आई वेंट थ्री क्यूटली. आई वेंट थ्री क्यूटली. तो क्यूटली है जो हमारे पास वो क्या आएगा एडवर्ब. क्या आएगा क्यूटली एडवर्ब है. एलवाई यूज हुआ है और विशेष है ये. इसमें एडवर्ब में विशेष है ये. एन ईगल फ्लू यस्ट ओवर हर हैंड. यस्ट ओवर है. ईगल फ्लू यस्ट ओवर हर हैंड. तो इसमें जो विशेष है वो क्या होगा ओवर. ओवर क्या है इसमें विशेष है. एन ईगल फ्लू यस्ट ओवर हर हैंड. तो उसमें क्या होगा जो ओवर है वो हमारे पास क्या आएगा एडवर्ब विशेष. नेक्स्ट है हमारे पास द ट्रेन लेफ्ट यस्ट बिफोर वी हैड रीच द स्टेशन. तो इसमें हमारे पास एडवर्ब क्या होगा यस्ट बिफोर. यस्ट बिफोर हमारे पास क्या आएगा यहां पे एडवर्ब आएगा विशेष है ये. तो ये क्या होगा द ट्रेन लेफ्ट यस्ट बिफोर वी हैड रीच द स्टेशन. नेक्स्ट है हमारे पास प्रपोजिशन. प्रपोजिशन इज अ वर्ड विच इज यूज बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन टू सम अदर वर्ड इन द सेंटेंस. बोलता है कि जो प्रपोजिशन है वह शब्द है विच इज यूज ए नाउन और प्रोनाउन नाउन संज्ञा और सर्वनाम से पहले जो शब्द यूज हो टू शो इट्स रिलेशन और उनके रिलेशन शो हो टू सम अदर वर्ड इन द सेंटेंस. वो शब्द जो सेंटेंस के रिलेशन में कुछ अन्य ढंग से प्रयोग किए जाएं नाउन और प्रोनाउन से पहले. नाउन और प्रोनाउन से पहले जो संज्ञा और सर्वनाम नाउन और प्रोनाउन से पहले जो शब्द कुछ अलग तरीके से सेंटेंस में यूज किए जाएं उसको क्या कहते हैं प्रपोजिशन. जैसे इन एट ऑन फ्रॉम टू वाई ऑफ एक्सेट्रा. जैसे सूरज इज सिटिंग ऑन द मैट. अब इसमें संज्ञा और सर्वनाम के से पहले जो शब्द यूज हुआ है सेंटेंस में तो वो क्या होगा हमारे पास प्रपोजिशन. वो क्या होगा हमारे पास प्रपोजिशन. जैसे ऑन बताया पर मैट पर. तो इसमें प्रपोजिशन क्या हुआ ऑन. ऑन क्या हुआ इसमें प्रपोजिशन. नेक्स्ट है आई हिट द डॉग विद द स्टिक. तो इसमें जो प्रपोजिशन है वो हमारे पास क्या होगा विद. के साथ क्या होगा के साथ. तो विद में हम क्या यूज करें विद. इसमें जो प्रपोजिशन है वो हमारे पास विद है. आई हिट द डॉग विद अ स्टिक. एक स्टिक के साथ मैंने एक कुत्ते को मारा. कुत्ते को मैंने एक स्टिक के साथ मारा.
के साथ जो हुआ वो क्या हुआ, विद। और ये सेंटेंस हमने नाउन और प्रोनाउन से पहले यूज किया है तो उसको क्या बोलते हैं हम, प्रेपोजिशन। नेक्स्ट है ही इज इन द प्ले ग्राउंड, वह प्ले ग्राउंड में है, तो जो इसमें प्रेपोजिशन है वो क्या हुआ, इन। क्या होगा इसमें, इन है जो वो हमारे पास क्या आया, प्रेपोजिशन। ही वॉन्ट टू अंबाला बाय बस, वह अंबाला बाय बस जाएगा, तो जो इसमें प्रेपोजिशन है वो क्या हो गया, टू। कर्ता ने, कर्म को, ये सब जो होते हैं वो उनको हम प्रेपोजिशन कहते हैं। जैसे सूरज इज सिटिंग ऑन द मैट, तो ऑन हमारे पास क्या आया, प्रेपोजिशन। आई हिट द डॉग विद अ स्टिक, विद हुआ जो हमारे पास क्या हुआ, प्रेपोजिशन। ही इज इन द प्ले ग्राउंड, तो जो प्ले इन है वो हमारे पास क्या हुआ, प्रेपोजिशन। ही वेंट टू अंबाला बाय बस, तो टू क्या हुआ हमारे पास, प्रेपोजिशन। नेक्स्ट है हमारे पास कंजक्शन। कंजक्शंस इज अ वर्ड विच इज यूज टू ज्वाइन वर्ड क्लॉजेस और सेंटेंस। बोलता कि जो कंजक्शन वह शब्द है जो ज्वाइन करता है दो शब्दों को, उनको हम क्या करते कहते हैं, कंजक्शंस। जैसे हो गया एंड, व्हाट, बिकॉज और व्हेन, सो, ये सब क्या है, कंजक्शंस हैं। सेंटेंसेस में बताती हूँ, वीना एंड कविता आर सिस्टर, ऐसे तो हम लिख नहीं सकते वीना कविता आर सिस्टर्स। अगर हमने कंजक्शन यूज किया इसमें तो इसमें आएगा वीना एंड कविता आर सिस्टर्स, तो एंड क्या हुआ हमारा इसमें, कंजक्शंस। नेक्स्ट है हमारे पास रीना केम बट डिड नॉट स्पीक टू मी। रीना केम बट डिड नॉट स्पीक टू मी, तो इसमें जो वट आएगा वो ज्वाइंट हुआ है वर्ड हमारे पास, तो वट जो आएगा वो क्या होगा यहां पे, कंजक्शंस होगा। नेक्स्ट है आई नो व्हेन द सन राइजेस, आई नो कंजक्शन यूज किया, द सन राइजेस, तो व्हेन क्या हुआ इसमें, कंजक्शंस। मोहन इज वाइज एंड सिंसियर, मोहन इज वाइज एंड सिंसियर, तो जो मोहन है ऐसे तो नहीं होगा, मोहन इज वाइज सिंसियर, तो इसमें हमने कंजक्शन यूज किया तो वो क्या आया, एंड। एंड क्या हो गया हमारे पास, कंजक्शंस। डू और डाई, डू और इसमें क्या है हमारे पास, कंजक्शंस है। नेक्स्ट है हमारे पास इंटरजेक्शंस, इज अ वर्ड विच एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग और इमोशन, एक्सप्रेस करता है जो सडनली इमोशन और फीलिंग्स को, उसको हम क्या कहते हैं, इंटरजेक्शंस। इंटरजेक्शन वह शब्द है जो सडनली अचानक से फीलिंग्स और इमोशंस को एक्सप्रेस करता है। एग्जाम्पल है जैसे ओ, हेलो, हुर्रा, अलास, एक्सेट्रा। जैसे हेलो, इमोशंस है ये हमारे, तो इन सेंटेंसेस में बताती हूं, आ, हैज शी फेल्ड, आ, अचानक से सडनली, आ, हैज शी फेल्ड, इसमें हमने क्या यूज किया है, इंटरजेक्शंस। इंटरजेक्शंस यूज किया है, आ, हैज शी फेल्ड। सेकेंड है अलास, आई हैव लॉस्ट माई पर्स, तो जो इसमें अलास आएगा
वो क्या होगा हमारे पास? इंटरजेक्शंस। थर्ड है ओ, व्हाट ए नाइस लेडी। ओ सडनली किया इमोशन उसने, तो इसमें क्या होगा? व्हाट ए नाइस लेडी। तो इसमें जो ओ है वो हमारे पास इंटरजेक्शन होगा, क्योंकि उसने एक्सप्रेस किया अपनी फीलिंग्स को और इमोशंस को। नेक्स्ट है हेलो, व्हाट आर यू डूइंग दीस डेज। हेलो, पहले उसने अपना इंटरजेक्शन यूज किया है, फिर बोला है व्हाट आर यू डूइंग दीस डेज। तो जो हमारे पास हेलो होगा वो क्या होगा हमारे पास? इंटरजेक्शंस। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू।